हाँ ठीक है भाई। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू गुड वर्ल्ड। दोस्तों मैं हूँ विकेयर गुड फार्म पर। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई ये खुद से दांत बता रहा था जी भाई। तो ये क्या दो दांत किया है अभी? दो दांत किया है भाई, एक डेढ़ महीना हो रहा है। अपने पास ही का है ये, काफी टाइम से अपने पास है। इसका ये गर्दन शेप बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भाई। इसने जो अभी स्ट्रक्चर बनाया ना, एक्चुअल में इसको खसी करने का इरादा था, लेकिन जो इसका फिर झालर आई ना भाई, जैसे रिंकल, तो फिर मेरा इरादा चेंज हो गया इसको। क्या डिटेल में है भाई अभी? अभी दो दांत किया है इसने भाई, डेढ़ महीना अपने पास ही यहाँ आके किया है इसने, डेढ़ महीना पहले दांत। और ये अभी 65 केजी पे है। 65 केजी पे। अगर चाहिए तो लाइव वजन भी करके दिखा देंगे। और हाइट क्या हो गई भाई इसकी? 36-37 की हाइट है। और पूरा गुलाबी है भाई, सिर्फ वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से जो आपको दिख रहा रहेगा दिख रहा है, बाकी पूरा गुलाबी स्पॉटलेस है भाई। जैसे आइडिया लेना था, अगर लेके इसको कोई खस्सी कराता है तो रिवर्स जाएगा? नहीं अभी वो तो भाई कस्टमर का जो ऐसा रिक्वायरमेंट है, बाकी मैं मेरे हिसाब से तो अंडू पालेंगे ज़्यादा अच्छा है। अच्छा हाँ, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती पे ही खरीदा हुआ है भाई ये। तो काफ़ी गर्म हो गया है अभी ये दांत करने के बाद में, तो अच्छा। बहुत शांत है ये। और भाई आस्किंग प्राइस क्या है, प्राइस आप क्या डिमांड भाई? सो 550 रुपीज़ केजी के हिसाब से दे। अच्छा केजी के हिसाब से 550 रुपीज़ केजी। तो और भी बकरे हम लोग देख रहे हैं, वो भी सेम प्राइस रहेगा आगे पीछे? नहीं ऊपर नीचे है भाई, जैसे पार्टी का बकरा है जो उनकी आस्किंग है मैं बता दूंगा। ठीक है तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जी भाई नेक्स्ट ये जमुनापारी है भाई। बहुत ज़्यादा गर्म है रईस भाई, ये हमारे कुर्ला वाले इमरान भाई का बकरा है ये। काफ़ी ज़्यादा है, छः दांत अभी किया है भाई, चार दांत पे आया था, छः दांत अभी निकाला है इसका। और ये बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है भाई, बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है वो। सो क्या वजन बताया भाई आप इसका भी? 63-64 केजी पे होगा भाई। और ये क्या वेट क्या है, मतलब क्या ये फाइनल? फाइनल 35,000 में देना है भाई, नॉन नेगोशिएबल है। 35 फाइनल है? 35,000 फाइनल है। और किसी को चाहिए रहेगा मैं नंबर भी दे दूंगा इमरान भाई का, डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं जी। ठीक है भाई नेक्स्ट ले लेते हैं हम लोग। ये गुजरे जी भाई, इसका ही वजन अभी अपन ने किए थे। हाँ इसका वजन अभी किए हैं 73-72 जो भी आ रहा था, और जो भी आएगा ये 500 रुपीज़ के जी से देना है भाई। जगह पे नाप के वो हिसाब, जो भी वजन आएगा 500 रुपये के जी के हिसाब से। भाई कितने दांत किया अभी? अभी ये देख लेते हैं भाई, छः कर रहा है भाई। छः कर रहा है, ठीक है भाई छः कर रहा है। और कोई है सेल के लिए? और अभी तो कोई नहीं है भाई जी। तो हमारे साथ में और भी लोग हैं, हमारे गेस्ट भी है जी भाई। उवेश भाई, उवेश भाई से दो मिनट बात करना जी भाई। अस्सलाम वालेकुम उवेश भाई, आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा जी। उवेश भाई फार्म के बारे में पूछना चाहूँगा, कैसा लगा आपको फार्म? अल्हम्दुलिल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा थर्ड विजिट है। जब सबसे फर्स्ट विजिट था ना, बकरे बहुत कम थे, 12-13 बकरे थे, 12-13 ही बकरे थे। और जो स्टार्टिंग के पंजाबी थे वो थोड़े से दबे दबे से थे राइट। सेकंड टाइम आए तो थोड़ा खुले में ऊपर नीचे ऐसा लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन थर्ड विजिट पे ना अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहूँगा, एकदम बेस्ट लगा मेरे को। और आप लोग के बनिस्बत ये चीज़ मैं एकदम ऑनेस्टली बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं ये फील्ड का आदमी हूँ। ये जो पलाई वाला काम है 2018-19 में मैं खुद कर चुका हूँ 2 साल। और इतनी बड़ी जगह, इतने सारे बकरे और बड़े बड़े बकरे संभालना एक कोई आसान टास्क नहीं है भाई। तो शौकीन आदमी कर सकता है? शौकीन आदमी कर सकता है, और जो मतलब पूरा डेडिकेटेड हो इसके लिए। क्योंकि हमने भी अपनी ज़िंदगी के जब 2 साल इसमें लगाए ना, तो कहाँ कहाँ से फैले, क्या हुआ, घर में मौत हुई, मिट्टी हुई, निकाह हुआ, खानदान की कुछ खबर ही नहीं थी जी। और वो तो अपने घर के बाजू में था, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क है कि टाउन छोड़ के यहाँ पर आना पड़गा रोज का, और फिर उसमें ये रिजल्ट निकालना, मतलब वो बेशक आदमी इतनी मेहनत करता है तो अल्लाह नवाजता ही है जी। मेरे हिसाब से अगर इनमें से कोई एक मेरा बकरा रहता तो मैं फुल्ली सेटिस्फाई रहता।
हाँ, क्योंकि हमने देखा इधर पहले हम लोग अचानक रात में विजिट किए थे जी, जब से अभी देख रहे थे बकरे बहुत अच्छे लगे। आपने इसके साथ रील बनाए थे जब बहुत छोटा था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, आपकी गोद में था ये गोद में था। देखो ना यही एक बड़ा है, ये डेट भी डाल दूंगा कौन सी डेट की रील अपलोड है वो। और फिर दूसरी बात, जो मेंढा अपन लाए थे, जो मेंढा लास्ट वीडियो में है माशाल्लाह, मतलब पूरा गोल हो गया वो मेंढा। मतलब मेरे हिसाब से अगर इसमें अगर कोई एक मेरा बकरा रहता तो मैं 100% सेटिस्फाई रहता जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भाई को बरकत देवे। क्या हम लोग देख रहे हैं कितनी देर से आज शबे बारात का रोजा भी है भाई, माशाल्लाह रोजा रख के भी अपना मेहनत कर ही रहे। वरना अगर मैं भी इनकी जगह रहता ना भाई, तो सीधी बात है जो कुछ भी है बकरे भी मेरे साथ रोजा रखेंगे, मेरी अफ्तारी के बाद बकरों की अफ्तारी होगी। तो ऐसे भी होता है जी, ऐसा भी होता है भाई जी। सो लेकिन सल्यूट है भाई अर्शद भाई की मेहनत को। तो पब्लिक को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग सपोर्ट करो और थोड़ा सी फार्म पे आके खुद भी विजिट भी करो, बकरे पर्सनली देख के बकरे पालने वाला समझ जाएगा। और सभी को वेलकम है, ऐसा कुछ नहीं, आप रखो या नहीं रखो, लेकिन आके मिलके जाए अर्शद भाई से। कोई भी आके देख सकते हैं, अर्शद भाई को कॉन्टेक्ट कर लो इंशाल्लाह। बाकी अर्शद भाई जी, जरा भी भाई मैं लीपा पोती नहीं कर रहा हूँ, अर्शद भाई दोस्त है, तुम वो दोस्त हो, मैं लीपा पोती नहीं है, जो है एकदम साफ है, फेस से ही बात करते हैं। ये हम लोग तीनों की पर्सनालिटी, अर्शद भाई की या मेरी जो रहता है, हम लोग बता देते हैं जो है, मुंह पे बोलता हूं जी जी। अपने दानिश भाई है, दानिश भाई अपना रिव्यू देंगे। दानिश भाई थोड़े बिजी हो गए हैं, पालते हैं और दो तीन चार बकरे उनके आरके पे भी। दानिश भाई थोड़ा बिजी हो गए अभी। दानिश भाई से दो मिनट बात करते हैं। नहीं वो ले ले दूंगा चल के ऑलरेडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानिश भाई को ना मैं इस साइड में ले लेता हूँ। सो दानिश भाई मुझे ये बताइएगा कि आप खुद एक बकरे के शौकीन हैं जी, और माशाल्लाह बहुत ही शानदार कोटा बकरा हम लोग ने आपका देख के आया अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, और आप ऑलरेडी बकरे पलाई कर रहे हैं जी, तो आपको फार्म कैसा लगा और भाई की मेहनत? फार्म तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, बकरे को हर एक जगह स्पेस अच्छी मिली है, बकरे एकदम खुले है, जैसे कोटा सिस्टम भी बोल सकते हैं उसको, ऐसा एकदम वेल मेंटेन्ड है बकरे, साफ सफाई बकरों की, जगहों की, सब रेस्ट कर रहे हैं आराम से, अभी तो दोपहर का टाइम है तो रेस्ट ही करेंगे जानवर जी। अच्छा आप खुद बकरे के शौकीन हैं, अच्छा शौक करते हो, तो इसमें से आपको कोई बकरा जो पसंद आया? एक बकरा बहुत पसंद है, मैं ज़्यादातर हैवी वेट बकरे ज़्यादा पसंद है, आपको बताता हूँ। चल ला, हा हा भाई, ये बकरे बहुत हाइट में है, यासीन भाई के चैनल पे आया और ये सेल के लिए भी है। ये बकरा मुझे काफी पसंद आया, जैसे आप एकदम टॉल गए हो, लंबे हो, ये बकरा भी वैसे टॉल है। बकरा खुद बता रहा है, नहीं आ रहे आप लोग भाई, उसको यहाँ ले लेते हैं माशाल्लाह। बकरी की तैयारी आप भी खुद देखो, ऐसा रिजल्ट हर फार्म पे नहीं मिलता है भाई जी। भाई माशाल्लाह भाई, क्या 43 हाइट ना अर्शद भाई इसकी, 43 44 भी हो सकता है, क्योंकि दानिश भाई खुद काफी हाइट उनकी बहुत अच्छी है। काफी हाइटेड हुआ जी, 6.9 भाई। क्या वेट में है? 135 kg। अब दूसरा भी उसके आसपास का 19-20 कम, 105 पे है ये। हाइट ऑलमोस्ट दोनों की सेम ही है, हाइट सेम है, कंफर्म 44 है, ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों जी जी। एक मिनट, बाइक की लेंथ देखो, बाइक की ऐसी तो लेंथ है बाइक बकरे माशाल्लाह से, देखो ना जी। जरा एक मिनट में क्लिक ले रहा हूँ, अर्शद भाई भी ऐसे आ जाइए। बहुत शानदार लगा भाई मुझे, बकरा देख के दिल खुश हो गया। अच्छा इसमें भी कोई लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं भाई आपको, शहजाद भाई के बकरे हैं भाई, तो आसिम भाई के चैनल पे वीडियो है, उसमें से नंबर मिल जाएगा शहजाद भाई का जी जी। तो बहुत अच्छा लगा भाई पलाई वगैरह शौक देखें। सो अर्शद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आगे भी इंशाल्लाह अपडेट रहेगी जी भाई। और आपका जो बकरा था, थोड़ा सा उसमें लिए टाइम लेता हूँ कि आपके काफ़ी बड़े बड़े बकरे मैंने देखा हूँ जी, तो वो क्या वेट टक के गया था वो? कौन से वो? मैं शेरा की बात नहीं कर रहा हूँ, सुल्तान की। हाँ सुल्तान 122 122 किलो पे, 122 किलो पे, और शेरा 121 किलो पे। अच्छा उसके पैर जब देखता था मैं सुल्तान के, बाप रे ऐसे ब्रॉड पैर हाथ में नहीं आते थे, फिरोज भाई के हाथ में नहीं आते थे, फिरोज भाई तो कुछ इतने वजनदार है, बहुत मोटे पैर का बकरा था माशाल्लाह, बहुत शानदार चीज। सो बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, जजाकल्लाह खैर टाइम देने के लिए।